Types of motion. रेस्ट किसी भी बॉडी को रेस्ट पोजीशन में कहा जाता है जब तक कि उसकी पोजीशन अपनी सराउंडिंग के हिसाब से चेंज ना हो। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कार की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, सो ये रेस्ट पोजीशन कहलाती है। मोशन किसी भी बॉडी को मोशन पोजीशन में तब कहा जाता है अगर उसकी पोजीशन सराउंडिंग के हिसाब से चेंज हो तो। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कार की पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसलिए इसे मोशन कहेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 रोटेटरी मोशन, नंबर 3 वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन ऐसा मोशन जिसमें बॉडी रोटेशन के बगैर एक टाइम में मूव करती हो और ये लाइन स्ट्रेट और कर्व्ड हो, इसी मोशन ट्रांसलेशन मोशन कहलाती है। इस फिनोमेने को समझने के लिए डायग्राम्स को देखें। ट्रांसलेटरी मोशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशंस। लीनियर मोशन किसी भी बॉडी के स्ट्रेट लाइन मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं। स्टूडेंट्स नीचे दी गई 3 डायग्राम्स को देखें। तीनों डायग्राम्स में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के जरिए लीनियर मोशन समझाया गया है। सर्कुलर मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का पाथ अगर सर्कुलर होगा तो वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। इस मोशन को आप डायग्राम से अच्छी तरह समझ सकते हैं। रैंडम मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा मोशन जो कि एक खास तरतीब में ना हो, रैंडम मोशन कहलाता है। नीचे दी गई 2 डायग्राम्स इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। रोटेटरी मोशन ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के इर्द घूमे, वो रोटेटरी मोशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल फैन। वाइब्रेटरी मोशन किसी भी बॉडी के टू एंड फ्रो मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम, जो कि इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है।